1, 2, 3. आज जाने न पाए, दोनों में से एक कम अज कम आज। अब तुम आई एम रेडी गो। राजू चलो रात, ये मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा, वो दर्द जो आज तक तुम्हारी माँ के कलेजे में नासूर बनकर टीते मार रहा है। Thank you.
बेटे, आज जो गुर मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो पैर पैतरा फन की आखिरी कड़ी है और तुम्हारी तालीम की आखिरी सीढ़ी। फर्ज करो, लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए तो तुम अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को उसके कदमों की आहट से और उसके वार को हवा के रुख की काट से पहचान सकते हो। अब मैं वार कर रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि वार किस तरफ से हो रहा है। अंदाजा लगाओ, कोशिश करो, ध्यान दो, बचो, बचाओ। क्या बात है बेटे, पिछले दो हफ्तों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं राजू को सिखाने की कोशिश करूं। लड़की, तुम इसे सिखाओगी तो नहीं बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। बाबा, मेरी मोहब्बत मोम नहीं, सब्र का वो फौलाद है जिसे कोई आग पिघला नहीं सकती। अरे ये क्या? राजू, इस पायल की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, कहां से आ रही है? उगल रही है, फूंक डालो शोलों में औरत की मर्यादा और अपनी शराफत को भटका दो मुझे मेरे मकसद से। राजू, यह तुम्हारा इम्तिहान था। इस बेचारी ने तो अपनी हथेली पर आग रखकर अपने सब्र का इम्तिहान दे दिया था। आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे,
मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे। अबे चल आज छोड़ मुझे, हड्डी और कुत्ते छोड़, बच्चे कहाँ जाएगी तू मेरे, अरे कोई बचाओ, है कोई, छोड़ मुझे, कोई है, अजीब था ना, देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। मामा जी, इसको कहे को मार दिया? अरे तो अपना ही आदमी था ना। इसे हरामजादे ने मारा है जीवा को, जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा वो पैतरा हमारी स्कूल का है और इस ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी बुढ़िया, ये कहां है मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब? ये मिट्टी नहीं, मेरी बेटी की चिता की राख है और मैं इसे इसलिए यहां बिखेर रही हूं ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह भैया वाह, हंसो जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। बचकुंदा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी, इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई, हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है, हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुद ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है? तुझे नहीं पता? अरे भैया, इस शराफा से नहीं ना बताएगा, तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। और कठोर ज्ञान,
एक आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। अपने हाथ और दिखा अपना पैंतरा। याद है ये जगह, यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और वहां लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था। आज मैंने तुझे यहां लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखे कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। ससुर अब का बाकी रहा, जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा अब हम समझा हूं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। आ तुम भी आ, आ हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला का राजू का नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है इसका पता चल चुका है। बुढ़बक हमका उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा। अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत Yeah.
बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे तुम्हारी यह हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो वही मेरी जिंदगी पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। यह जख्म तो कुछ भी नहीं, अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर राज वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कात्रे का खून किया है। ये खून ही है का भैया? खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है? इधर भाई, इनको हथकड़ी लगा लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे। हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूँ। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं अपनी मौत को ललकारा है।
राजू बेटे, पैर पैतरे का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो, फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। बच्चे तुम सिखाता हूँ तुझे कराटे क्या होता है। कम चैंपियन, चैंपियन, इधर लोगों को खोलने की कोशिश करोगे तो हम बंदूक का मुंह खोल दूंगा। तुम लोग अब यहां से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा। Thank you.
औजार तो बंद। Thank you.
हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। ऐसी करनी वैसी भरनी। सुमन, ये तुमने क्यों किया? जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसमें खाई है, उनको झूठा कैसे होने देती राजू? इस राक्षस को मारकर मैंने भी तुम्हारे साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचने का रास्ता बना लिया है। साथ जी तो न सके, साथ मरेंगे राजू। राजू, आई लव यू। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत मुजरिम राज वर्मा को सजाए मौत और कुमारी सुमन को उम्र कैद की सजा देती है। क्यों? एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद क्यों? कानून की नजर में एक खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? हमारे मुल्क के कानून में औरतों के साथ ये रियायत बरती गई है। बदल दीजिए ऐसे कानून को जो एक तरफ औरत और मर्द के बराबर होने का ऐलान करता है और दूसरी तरफ औरत को उनके छोटेपन का एहसास दिलाता है। राष्ट्रपति जी, मैं यहाँ सजा माफ कराने की दरख्वास्त लेकर नहीं आई, बल्कि इंसाफ लेने आई हूँ। मेरा और राजू का जुर्म एक है तो सजा भी एक होनी चाहिए, चाहे उम्र कैद हो या फांसी। क्योंकि तुम दोनों ने समाज के गंदे लोगों को खत्म किया है, इसलिए हम तुम दोनों की सजाएं माफ करते हैं।